क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ बेब? नथिंग, मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती हूँ और आज तुम्हें एक राज की बात बताने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो, क्योंकि ये गलती मैं पहले भी कर चुकी हूँ एक अनजान आदमी के साथ। उसी जगह मुझे एक लड़का मिला था। और उसे भी मैं तुम्हारी तरह घर ले आई थी। अमित वो बहुत परेशान कर रहा था और बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहा था। उसने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया और वो दिन भी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरे हिसाब से नहीं करता। डोंट वरी बेब, विल गिव यू एवरीथिंग यू वांट एंड द वे यू वांट इट। अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। इसका एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन उसने मेरा मूड बहुत खराब किया और आज तुम मेरा मूड ऑफ नहीं होने दोगे। जो मैं उस दिन ट्राई करने वाली थी वो मैं आज ट्राई करूँगी। सॉरी सॉरी साहब, सॉरी, मैं प्लम्बर हूँ साहब। बोल, आपका नलका लीक हो रहा था ना, लीकेज सही करने आया था, मैडम ने बुलाया था साहब। सर मैं समझ रहा हूँ सर, सॉरी सर, सॉरी, जा रहा हूँ सर। सर जी समझ गया, जा रहा हूँ सर, सॉरी मैम, सॉरी, जा रहा हूँ सर, बाद में आऊंगा, बाद में लिख सही करूंगा, ठीक है, बाय बाय सर, जा रहा हूँ सर जी, जा रहा हूँ सर।
ओके साहब, जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। ओके ओके साहब, जा रहा हूँ। हेलो, हाँ सरला, अबे बाहर रस्सी है ना वो कपड़े सुखाने वाली, उस रस्सी को काट और काट के अंदर रख ले, अंदर कमरे में। मैं ना टेप लेके आ रहा हूँ, टेप। आज रस्सी टेप खेलेंगे, पर नया खेल सिखाऊंगा तुझे, रस्सी टेप। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। प्यासे प्यासे इन मेरी लबों के लिए।